on hold. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज कई तरह की प्रॉब्लम होती है मैथ में, उसको समझने में विद्यार्थी को अगर सबसे अधिक भय लगता है, वह भयभीत होता है, तो वह है मैथ से। मैथ को कंसेप्ट नहीं समझ पाता है, उसको रटने की आदत पड़ जाती है, और एक ऐसा कंडीशन आता है जब उसे हर मैथ का सॉल्यूशन हार्ड लगने लगता है, और उसे एक मैथ फोबिया हो जाती है, मैथ से डर कर भागने की आदत पड़ जाती है। तो चले, हमें मैथ से डर कर भागने की जरूरत नहीं है, हर कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। आज हम ले चले हैं एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हर मैथ को उसके बाय फिगर के माध्यम से स्टडी करेंगे, ताकि विद्यार्थी को ये प्रॉब्लम नहीं हो और उसका कंसेप्ट क्लियर हो। तो कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। आज का चैप्टर है 13.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तब इससे पहले हम उसे कुछ फॉर्मूले को देखेंगे कि राइट सर्कुलर सिलेंडर होती क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर होती क्या है, हर टॉपिक को जैसे ही हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो पता चलता है उसके एक्सरसाइज के नाम से ही, टाइटल से ही, कि कहना क्या चाहता है। अगर हम टाइटल को समझ जाएं, टाइटल है राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये सिलेंडर क्या होती है? सिलेंडर एक बेलनाकार आकृति होती है, बेलन सिलेंडर। हम लोग ऐसी इस तरह के आकृति को, शेप को घर में देखते हैं। अभी एलपीजी, आपको पता है एलपीजी का सिलेंडर हर घर में है, और वह क्या होती है, इस तरह की बनावट होती है एलपीजी का बनावट इस तरह को होती है, सिलेंडर का इस तरह का बनावट होती है। तो ये सिलेंडर एक बेलन का, जिसका आकार बेलनाकार हो, वह एक सिलेंडर हो गया। लेकिन यह सर्कुलर होना चाहिए, सर्कल में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सर्कल में होना चाहिए, यह सर्कल में होना चाहिए, और उसका ये राइट होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? राइट होना चाहिए, 90 डिग्री का ये जो एंगल बनाते हुए होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये जो बनेगा एंगल ना, और कैसा होना चाहिए? राइट होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो हम लोग इस तरह का आकृति वाले सिलेंडर का स्टडी करेंगे, जिसे हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। चलिए इसको देखेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर। सबसे पहले इस शेप को स्टडी करते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होती है उसका शेप कैसा होता है। इस तरह का शेप में मिलेगा, इस तरह का उसका शेप होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का इस तरह का शेप होता है। यह जो दिखाई पड़ रहा है, ये उसका लेंथ होती है, ये उसका लेंथ होती है, जिसे हम हाइट एज के द्वारा इंडिकेट करते हैं। यह उसका हाइट हो गया, यह उसका हाइट हो गया, और ये क्या होता है, ऊपर का देखोगे तो सर्कल के रूप में रहता है, ये सर्कल के रूप में, ये जो बॉटम दिख रहा है ना इसका, ये सर्कल के रूप में,
अब देख सकते हैं इसका सर एक गोल है, सर्कल है, ऊपर भी सर्कल है, गोल है, और नीचे भी सर्कल है, यानी कि उसकी यह दो होती है, ऊपर और नीचे दोनों जो शेप होता है ये राउंड होता है, और ये क्या होता है राउंड होता है, तो राउंड होगा तो ये उसका क्या होगा डायमीटर होगा, इसमें नीचे क्या होगा उसका डायमीटर होगा, और अगर डायमीटर को हम हाफ कर दें, डायमीटर को हाफ कर दें तो हमें क्या मिलती है, हमें इसका रेडियस मिलती है, डायमीटर को अगर हाफ कर दें तो हमें क्या मिलती है रेडियस मिलती है, रेडियस मिलती है, जब हम डायमीटर को हाफ करते हैं तो हमको रेडियस मिलती है, तो ये हो गया डी पूरा, और ये इसका जो लेंथ हो गया सेंटर से सर्कमफ्रेंस के जो बीच जो डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस रेडियस कहते हैं, एक नीचे साइड पर है रेडियस हो गया, रेडियस हो गया, अरे हाइट हो गया, हाइट हो गया। अब हम राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का अगर हमें इसको कलर करना है, सबसे पहले आती है बात कि हम क्यों पढ़ते हैं ये सिलेंडर को, हमको पढ़ने से क्या बेनिफिट है, अगर हमें इसमें गैस भरना है, एक सिलेंडर इसमें गैस भरना है तो गैस कितना केजी आएगा, किस सिलेंडर में कितना केजी गैस आएगा, किस सिलेंडर को अगर हमको पेंट करना है तो कितना हमको पेंट लगेगा, तो जब हम ब्रिज का निर्माण करते हैं एक पिलर बनाते हैं तो उस कंडीशन में हमको पता होना चाहिए पिलर में कितना मटेरियल आएगा, अगर पिलर में मटेरियल है तो पिलर को अगर कलर करते हैं तो कितना पेंट आएगा, तो बिल्डिंग बनाने में जो पिलर का यूज होता है, ब्रिज बनाने में जो पिलर का यूज होता है, घर में जो सिलेंड्रिकल वस्तु है ऑब्जेक्ट है उसको में कितना मटेरियल आ सकता है, अगर ये बॉक्स है सपोज दैट ये एम्प्टी है और इसमें इंक कितना आएगा पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए हम इसके वॉल्यूम निकालते हैं कितना मटेरियल आ रहा है, अगर इसमें हम पेंट करना चाहते हैं, चाहते हैं कि इसमें हम कलर कर दें तो कलर करने में कितना पेंट आएगा, तो पेंट आएगा तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, अगर सिर्फ इससे पेंट करना है बाहरी सतह एक्सटर्नल सरफेस को पेंट करना चाहते हैं, आउटर सरफेस को पेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं ये कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, अगर ऊपर नीचे दोनों का साइड हम पेंट करना चाहते हैं तो क्या निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। बहुत सी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, इस बात का कंफ्यूजन होती है कि इसमें टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाए, यह कब निकाला जाए, अगर बुक में क्लियर नहीं है कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बुक में क्लियर नहीं है कि आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है, तो इस कंडीशन में अगर एक कोई बोतल है और बोतल में वाटर है, तो वाटर है तो आप उसमें उसका बोतल का लेंथ दिया हुआ है, उसका हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो इसका इस कंडीशन में पता नहीं चलता कि हाइट है या लेंथ है, ये कंफ्यूजन होती है। तो इसी तरह अगर इसमें इसको देखा जाए, अगर इसमें आपको आपसे बोला जाए कि हाँ इसका आप जो है इसको कलर करना है, इसका हाइट हमें पता है, इसका हाइट हमें पता है, हाइट हो गया 10 सेंटीमीटर पता है, और रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर इसको हमको पता है, अब बस इसके बाद कुछ भी पता नहीं, बोल अगर कहता है कि चलिए इसका आप पेंट कीजिए, कवर पे पेंट कीजिए, और ये ऊपर का साइड भी पेंट होना चाहिए, नीचे का साइड भी पेंट होना चाहिए, तब क्या निकालेंगे, तो विद्यार्थी को कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसमें तो पता नहीं क्या है, ये सिर्फ लिखा है कि पेंट करना है, तो आपको लगे कि टोटल एरिया पेंट करना है, बाहर का टोटल एरिया पेंट करना है तो उसमें टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, अगर लगे कि नहीं ये जो है पिलर के रूप में है, ऊपर कवर ऊपर टच किया हुआ, ऊपर नहीं पेंट करना, नीचे नहीं पेंट करना है, तो उस कंडीशन में हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। अगर है कि इसमें इंक कितना आएगा,
और ये नहीं दिया रहता है कि आप वॉल्यूम निकालना है, तो इस कंडीशन में हम सीधे वॉल्यूम निकालेंगे। मेटेरियल अगर उसमें पता करना हो तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना पड़ता है। अगर उसमें सिर्फ कलर करना हो, सिर्फ कलर कलर करना हो, तो अगर इस साइड को छोड़ करके ऊपर साइड और नीचे जो सर्कुलर पॉइंट होते हैं उस एरिया होते हैं उसको अगर छोड़ करके कलर करना हो, तो इस कंडीशन में हमें क्या निकालते हैं, सिर्फ टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। अगर ऊपर और नीचे दोनों का कलर करना हो और साथ में इस एरिया को भी कलर करना हो, तो हम क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो आप कंसेप्ट क्लियर हो गया कि टोटल सरफेस एरिया कब निकालेंगे और कर्व सरफेस एरिया कब निकालेंगे। चलिए देखते हैं, ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में ये हुआ, ये जो दिख रहा है ये उसका हाइट हो गया, हाइट हो गया जिसको एच से हम लोग इंडिकेट करेंगे, इसको ये रेडियस है आर से इंडिकेट करेंगे। अगर हमें सिर्फ बाहरी इस साइड को कलर करना है, ध्यान से देखना है किस साइड को कलर करना है, ऊपर किसी से टच है, नीचे भी किसी से टच है, तो उसका तो ऊपर जो सर्कुलर एरिया है वह उसको टच नहीं करना है, उसको नहीं कलर करना है, इसको भी कलर नहीं करना है। तो इस कंडीशन में हमें क्या निकलेगा, इस एरिया जो सामने वाली एरिया जो है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो फर्स्ट फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, एक कर्व है जो दिख रहा है ना, एक कर्व है, तो कर्व क्या है, ये राउंड है, सर्कल के रूप में भी है, तो हम निकाल रहे हैं सर्कमफ्रेंस। हमको पता है सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr होती है ना, 2πr होती है, और इसका हाइट कितना है, तो हाइट एच है, तो एच से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें जो फॉर्मूला जो फॉर्म होगा क्या बनेगा, 2πrh, किसका बना, कर्व सरफेस एरिया 2πrh। 2π कहां से आया पता है, एक बार फिर से देख लेते हैं, 2π आया कहां से, ये जो है राउंड है, तो राउंड है तो इसका एरिया हमको पता है कि 2πr होता है, क्या होता है, 2πr होता है, और इसका हाइट क्या है, हाइट अगर h है तो क्या करेंगे, 2πr into h। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमें इसके अलावा ऊपर और नीचे का एरिया भी पता हो, ऊपर का एरिया भी पता हो और नीचे का एरिया पता हो, दोनों का एरिया पता हो, तो इस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, सेकेंड जो फार्मूला फॉर्म होगा ये होगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्म होगा, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया टोटल देखेंगे, इसका हमने पता कर लिया, इसका क्या होता है, 2πrh। अब हम नीचे का पता नहीं है ना, तो नीचे का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना, सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर होता है, ऊपर का भी सर्कल है, सर्कल रूप में है, तो इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो कितने हो गया, इधर भी पाई आर स्क्वायर और नीचे भी पाई आर स्क्वायर, तो कितने पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 हो गया, 2πr² ये 2πr² हो गया। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं,
2πr दोनों साइड है, इधर भी 2πr, इधर दोनों साइड है, इसमें 2πr अगर कॉमन के रूप में रखा जाए तो इधर क्या आएगा, h आएगा। अगर इधर कॉमन के रूप में 2πr रखा जाए तो क्या आएगा, r आएगा। तो इसका यहाँ जो फॉर्म बना टोटल सरफेस एरिया, इसे हम शॉर्ट में टी एस ए भी कहते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टी एस ए। क्या हो गया, 2πr इंटू एच प्लस आर, 2πr इंटू एच प्लस आर। ऐसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। हम लोग शॉर्ट लिखेंगे ताकि समय का भी बचत हो और कॉपी का भी बचत हो, दोनों का बचत हो। तो चले अब इसे हम मिटा देते हैं। अब बात रही उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की, जरूरत तब पड़ती है जब उसे हम, हमें सिलेंडर बनाना हो और उसका हमको सरफेस चाहिए। मतलब अगर हम कोई ऐसा सिलेंडर बॉक्स बनाना चाहते हैं तो उसमें कितना सीट आएगा, उसके लिए हम कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया की समझ लेते हैं। अगर हम चाहते हैं एक बॉक्स बनाना, ध्यान दें, अगर हम चाहते हैं बॉक्स बनाना चाहते हैं और उसमें चाहते हैं कि इसमें कितना सीट आएगा, सीट का एरिया क्या होगा, और तो एरिया हमें निकालने के लिए अगर हम दो तरह का बॉक्स बना सकते हैं, एक जो नीचे एक और ऊपर, दोनों साइड अगर कवर हो, दोनों साइड ऊपर और नीचे, तब तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, ऊपर ही और नीचे भी दोनों साइड। ऊपर अगर ढक्कन हो, लीड हो, तो टोटल सरफेस एरिया। कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ती है कि उसका ऊपर ओपन रहे, हमको ऊपर की जरूरत नहीं पड़ रहा, सिर्फ हमको इस तरह का बॉक्स बने जो ऊपर खुला रहे। ऊपर अगर खुला रहे तो अगर ऊपर हमें खुला बॉक्स बनाना है, ग्लास के रूप में लाना है, ऊपर अगर खुला बॉक्स के रूप में लाना है, ग्लास के रूप में इस तरह बॉक्स बनाना है, अगर इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालने की बात हो जाए तब क्या करेंगे हम, तब टी एस ए जो आएगा वह क्या आएगा, ये तो आएगा 2πr, लेकिन यहाँ इस जगह पर जो ऐड करेंगे 2πr उसको ऐड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर तो खुला है तो सिंगल हमें मिलेगा, तो क्या मिलेगा, सिर्फ मिलेगा पाई आर स्क्वायर मिलेगा, 2πr स्क्वायर नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में 2πr अगर रहे, कोई गिलास दिया हुआ रहे, अगर आपको ऐसा कोई बॉक्स रहे ऊपर खुला हुआ रहे, अगर आपको अगर कहा जाता है कि आप टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो क्या कीजिएगा, इसमें यही करना है कि हमें तो ऊपर खुला मिला, नीचे क्लोज मिला, तो हम नीचे का ही एरिया निकालेंगे ना कि ऊपर का निकालेंगे। इस तरह में विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी दिया जाता है ये आपका जो है ऊपर खुला हुआ है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो लोग विद्यार्थी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ 2 ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे। हाँ, अगर कभी कभी ऐसा हमें पाइप के रूप में मिलती है, पाइप मान लेते हैं आपको इस तरह का शेप मिल जाए, पाइप के रूप में क्या मिल जाए, ये पाइप के रूप में, और है कि नहीं, चलिए आपका पाइप का आपका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, कभी दिया रहता है कि पाइप का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं इस कंडीशन में हम लोग ये कुछ विद्यार्थी क्या जोड़ देते हैं, टी ए से निकाल देते हैं और इस फार्मूलाइज करते हैं 2πr इंटू आर प्लस एच ए निकल देते हैं, ये गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऊपर तो खुला है, नीचे खुला है, तो इसमें ये जो 2 ऐड नहीं हो सकता है, तो सिर्फ इसमें क्या निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, ये टोटल नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, सी एस ए निकलेगा, जब पाइप के रूप में हो 2πr एच ही निकलेगा, न कि इस फार्मूला पर हम ले जाएंगे। कभी ऐसा कन्फ्यूजन होती है, आज हम लोग कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। हम लोग क्यों
कब हम टी ए से निकालेंगे, कब हम सी ए से निकालेंगे, ये दो तरह की कंफ्यूजन हो जाती है निकालने विद्यार्थियों को। तो कैलकुलेट करेंगे टी, आज अगर हम ऊपर और नीचे दोनों का ढक्कन दिया हुआ है, कब लीड पता है, तो इस कंडीशन में टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले पर ले चलेंगे। अगर सिर्फ ऊपर का, फिर से एक बार हम लिख देते हैं, चलिए फिर से लिख देते हैं, इस तरह का शेप हमें मिलता है, इस तरह का शेप मिलता है, इस तरह का शेप, इस तरह का शेप मिलता है, ऊपर भी खुला नीचे खुला, ओपन दोनों साइड है। अगर उस कंडीशन में हमें बोला जाए, आपसे कहा जाए कि चलिए आप टोटल इसका एरिया निकालिए, एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तब क्या आप कीजिएगा, इसका तो ऊपर है नहीं, खुला है, नीचे खुला है, ओपन है, तो सी एस ए आएगा, क्या आएगा, सी एस ए। तो सी एस ए का आप फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े, टू पाई आर एच पढ़े, सी एस ए का इन पढ़े, टू पाई आर एच पढ़े। अगर एक नहीं, चलो ए ए कवर, ए जो है क्लोज है, नीचे का एरिया क्लोज है, ऊपर का एरिया ओपन है, नीचे का एरिया क्या है, क्लोज है, ऊपर का एरिया ओपन है, तो इस कंडीशन में अगर आपको आता है टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए, तो ये 2 पाई आर तो ऐड होगा ही, 2 पाई आर एस प्लस इसका एरिया हमको पता करना है, इसका एरिया तो नहीं पता करेगा ना, एक ओपन है, तो क्या होगा, नीचे सर्कल है और सर्कल का फार्मूला हमको एरिया पता है, पाई आर स्क्वायर होती है। अगर आपको पता है ऊपर भी क्लोज नीचे भी क्लोज, तब हम क्या करेंगे, टी ए से निकालने के लिए ये 2 पाई आर तो हमें चलेगा ही, और ये दोनों साइड, तो इसका भी एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हमें क्या मिला, 2 पाई आर स्क्वायर मिला। इस तरह हम कर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कब से किस शेप में निकालेंगे, हम लोग कन्फ्यूजन दूर किए। आप देखते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करें, अब हम लोग उसका वॉल्यूम देखेंगे, किसी भी सिलेंडर में क्या रखना है, तो रखने के लिए हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी पड़ती है। ध्यान देना कब, उसमें अगर इसमें हम वाटर रखेंगे तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकलेगा, वाटर रखेंगे तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकलेगा। अब देखेंगे जैसे ये प्रॉब्लम ये होती है, ये सिलेंडर है, इस तरह का सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में इसका है सेंटर है, और सेंटर से सर्कमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है उसको हम आर से रेडियस से इंडिकेट करते हैं, इसका जो लेंथ होती है ना वह एच से इंडिकेट करेंगे, अगर इसका लेंथ को एच से इंडिकेट करेंगे और इसका रेडियस को आर से इंडिकेट करेंगे, तो हमें वॉल्यूम के रूप में ये नीचे का एरिया जो मिलेगा कैसा मिलेगा, सर्कल मिलेगा, कैसा मिलेगा, सर्कल मिलेगा, तो सर्कल मिलेगा तो क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर मिलेगा, और कितना लेंथ है उसका है, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर एच मिलेगा, तो क्या मिलेगा, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सिलेंडर, क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सिलेंडर। अगर राइट सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो तो इस फॉर्म पर, इस फॉर्मूले पर उसे हम बिठाएंगे। आप कभी कभी ऐसे सिलेंडर हमें मिल जाते हैं, ऐसे पाइप हमें मिल जाते हैं जिसका हम लोग एक टोटल एरिया निकालना चाहते हैं। जैसे अगर पाइप मिले और दोनों साइड खुला है, इस तरह पाइप है और दोनों साइड इसका खुला है, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों साइड इसका खुला है ऊपर भी और नीचे भी, अगर आप ये जो है इसका इस तरह का ऊपर भी और नीचे भी,
इस तरह का अगर इसका मटेरियल निकालना हो, इसमें कितना मेटल है, अगर ये लोहे का बना हुआ तो इसमें कितना मेटल लगा हुआ है, उसे निकालना हो तब क्या होगा, मेटल निकालना होगा। और इस कंडीशन में आप देखेंगे अगर ये पाइप है उसमें कुछ मोटाई होगी, पाइप की कुछ तो मोटाई होगी। सपोज दैट एक और फिगर इससे बना लेते हैं पाइप को, इस तरह के मिले ये पाइप है, इस तरफ हमें पाइप मिलता है देखने में, अगर आप उसको झांकते हैं तो इस तरह में पाइप मिलता है, ये उसका ओपन एरिया है, होल के रूप में है, और ये इसका मटेरियल है, ये इसका क्या है, मटेरियल है। अगर इसका सेंटर से जो एक साइड जो इंटरनल साइड का इंटरनल साइड होता है उसका अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसे हम स्मॉल आर से इंडिकेट करेंगे, और सेंटर से जो आउटर साइड है उसका डिस्टेंस हम कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे, उसे हम क्या से इंडिकेट करेंगे, कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे। और सेंटर से जो इस किनारा जो देखेंगे इसमें ये होलो टाइप का है, तो सेंटर से इस किनारे के बीच जो डिस्टेंस होती है उसे स्मॉल आर, और सेंटर से बाहरी किनारे के बीच जो डिस्टेंस होती है उसे कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे। देखिएगा इसमें क्या है, सेंटर से ये सेंटर है, सेंटर से इस किनारे के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे स्मॉल आर, और सेंटर से बाहर के जो डिस्टेंस होती है उसे कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होगा, इसमें रेडियस दो होगा ना, एक स्मॉल और एक कैपिटल, एक स्मॉल और एक कैपिटल। ये सर्कुलर है, सर्कल ग्रुप में इसे पाई का यूज करेंगे हम लोग, अगले क्लास में देखेंगे पाई हम लोग क्यों यूज करते हैं, पाई क्यों इतना इफेक्टिव है, पाई क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, अगली क्लास में हम जो मिलेंगे तो इसको हम पाई के बारे में स्टडी करेंगे, पाई हम क्यों पढ़ते हैं। जितने भी सर्कुलर से हो, सर्कल टाइप का शेप हो, उसमें पाई का यूज क्यों करते हैं अगली क्लास में देखेंगे। तो आज अभी जो है हम इसको पाई एच हो गया लेंथ के लिए, और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या लिखाएंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अगर हम इसमें और एक्सपेंड कर देते हैं तो क्या हमको किस फॉर्म में मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मिलता है, हम लोग पता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में मिलता है। अगर इसको एक्सपेंड कर दिया जाए तो क्या मिला, ए प्लस बी मिला और ए माइनस बी मिला, ए माइनस बी मिला, इस तरह इस फॉर्म में हम उसको रख सकते हैं। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन आ जाती है, इसलिए ठीक है, अगर इसका इसमें सीट जो लगा, पाइप जो है, इस पाइप है, मान लीजिए होलो है, खाली है, अंदर से खाली है, इसमें देखिएगा ना, तो अंदर से खाली मिलेगा, तो पाइप है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि पाइप का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अंदर भी और बाहर भी। अभी आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो इसमें कई तरह की प्रॉब्लम होती है, अब विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन दूर करेंगे हम। इसमें अगर पाइप है तो पाइप का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप, ध्यान देना है, अभी हमने पढ़ा अगर सिर्फ बाहर ही निकालना है, ऊपर निकालना है, ऊपर का क्या होता है, ऊपर इसका यहां से यहां तक तो रेडियस हमको पता है आर होता है, तो क्या हो गई 2 पाई आर एच एक्सटर्नल का, 2 पाई आर बाहर का, बाहर को निकालना तो क्या लिखा लेंगे 2 पाई आर एच। अब इसको अंदर को भी निकालना है, अंदर को भी निकालना ना, तो अंदर का क्या होगा 2 पाई आर एच स्मॉल एच, लेकिन अगर उसमें इसका मोटाई भी है, ये मोटाई है ना वो है बाइट है, तो इसका भी हमको सरफेस तो निकालना है ना, इसका भी एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या होगा, सिर्फ इसका एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, ए और भी जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा पाई पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्या जोड़ना पड़ेगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो हमें मिला अगर इस तरह का सेफो सिलेंडर का, और उसे हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अंदर का भी और बाहर का भी, कब निकालना है इसे कलर का है, अगर आपको एक पाइप दिया रहे इसको आप एक बाहर भी कलर कर दीजिए अंदर भी कलर कर दीजिए, और इसका जो है मार्जिन जो है किनारा उसका इसके दो ऊपर का साइड भी कलर कर दीजिए, तो इस कंडीशन में हमें इस फार्मूले पर चलना पड़ेगा, इस कंडीशन में इस फार्मूले पर 2πRH प्लस एस कैपिटल आर, 2πRH स्मॉल आर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इस तरह हम लोग जो है ना सिलेंडर का तो क्या क्या पढ़ा आज, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13.2 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 13.2 अगले चैप्टर में शुरुआत करते हैं 13.2 का, तो भैया।